नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशोर। आप लाइव मेरे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे। सबसे पहले भाई दूज की शुभकामनाएं। इस चैनल में हम न्यूज, ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। मेरा पिछला वीडियो ड्रामा वीडियो था, दिवाली स्पेशल ड्रामा वीडियो। अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखें। और जो व्यूअर्स पहली बार चैनल में आए हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे मेरे फ्यूचर के वीडियोस की। आज हम बात करने वाले हैं एयरलाइन फेक जॉब्स के बारे में या एविएशन के सेक्टर में फेक जॉब्स के बारे में। तो सबसे पहला जो सवाल हमारे माइंड में आता है कि ऐसे जॉब्स हमें कहाँ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले ऐसे जो जॉब जो पोस्टिंग्स है वो हमें देखने को मिलते हैं जॉब पोर्टल्स में, जैसे कि नौकरी, इंडीड, शाइन, मॉन्स्टर, इन सारे में देखने को मिलते हैं। मगर अगर आप बोले कि क्या मॉन्स्टर या फिर ऐसे जॉब पोर्टल्स, नौकरी, इंडीड, क्या ये जिम्मेदार है इसके लिए, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत तो वो भी जिम्मेदार है, दोषी है इसमें, क्योंकि उन्हें भी जांच करना चाहिए कि कौन सा जो कंपनी वहाँ जॉब पोस्ट कर रही है वो जेन्युइन तरीके से कर रही है, वो जेन्युइन कंपनी है कि नहीं। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि उन कंपनीज को इस वीडियो के जरिए कि आप अपने पॉलिसीज में थोड़ा चेंज लाए सबसे पहले, और थोड़ा जांच करें कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी कंपनी फेक है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि फेक कंपनीज जॉब पोस्ट कर देती है। और साथ ही साथ में हमें ऐसे प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट में भी आजकल देखने को मिलता है कि फेक एयरलाइन जॉब्स और एविएशन जॉब्स के बारे में जॉब पोस्ट किया गया है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट बोलूँ तो जैसे कि लिंक्डइन है, वहाँ भी हमें ऐसे जॉब्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात करूं दूसरा जो जहां हम देख पाते हैं ये चीज़, ऐसा होता है कि ज़्यादातर क्या होता है कि मेट्रो सिटीज़ में ही हमें जॉब ऐसे एयरलाइन के जॉब मिलते हैं। तो क्या होता है कि दूसरे जो स्टेट से, उसी स्टेट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जब लोग छोटे छोटे यंग फ्रेशर्स वो लोग ड्रीम करते हैं कि एविएशन में आएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले ही आ जाते हैं और एयरपोर्ट का दर्शन करने आ जाते हैं। तो एयरपोर्ट का दर्शन जब वो करते हैं तो इसका मतलब है कि जो फेक कंसल्टेंसी है उनके माइंड में क्या आएगा कि अगर हम उसी एयरपोर्ट चत्तर में अगर अच्छा खासा छोटा मोटा होर्डिंग लगा दे आसपास जिस रास्ते से वो आएंगे या फिर वैसा, तो वहाँ आपको ऐसे फेक जॉब होर्डिंग्स देखने को मिल सकते हैं। तो एक वो जगह रहता है जहाँ होर्डिंग्स के थ्रू भी फेक जॉब्स का पोस्ट होता है। और तीसरा अगर बोलूँ तो आपको वो न्यूज़पेपर के एड्स में भी दिखेगा, न्यूज़पेपर के ऐड के जगह में आपको जॉब्स पोस्ट करने का जो जगह है वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे फेक जॉब्स के नंबर्स और ईमेल आईडीज दिए हुए रहते हैं। तो ऐसे तीन जगह ये है जहाँ पे हमें ऐसे फेक जॉब पोस्ट देखने को मिलते हैं। अब बताता हूँ कि ये फेक कंसल्टेंसीज करती क्या है। ये फेक कंसल्टेंसीज अपना नंबर और ईमेल आईडी देती है, और अगर कैंडिडेट जैसे कि कॉन्टैक्ट करते हैं उनके साथ, तो उसके बाद जो रहता है प्रोसीड्यूर कि वो बताते हैं कि एक ट्रेनिंग सेशन होगा, उस ट्रेनिंग सेशन के बाद कुछ रिटर्न एग्जामिनेशन होंगे। तो रिटर्न एग्जामिनेशन और ट्रेनिंग सेशन के बीच में आपको ट्रेनिंग फीस देना पड़ेगा, वो किसी भी रेंज से हो सकता है, 3,000 से 10,000 कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद वो जॉब नहीं देते हैं। अब बात कर लेता हूँ जो जेन्युइनली हमारे एयरलाइन कंपनीज करती है। हमारे जो एयरलाइन कंपनीज है, जैसे कि आपको पता ही होगा, जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट, ये सारे एयरलाइन कंपनीज है, और ये अपना जॉब इंटरव्यू रखते हैं होटल्स में, होटल, बड़े बड़े होटल मेट्रो सिटीज के वो वेन्यू रहता है मोस्टली इंटरव्यूज का। और साथ ही वो इंटरव्यू लेने के लिए कोई पैसा नहीं लेते। आप सीधा जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, अपॉइंटमेंट बुक करके हो या डायरेक्टली हो, आप जाते हो इंटरव्यू देते हो, आइदर यू गेट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू और गेट रिजेक्टेड, और सिलेक्ट हो जाने के बाद ही ट्रेनिंग होता है आपका उस एयरलाइन कंपनी के साथ, और उस ट्रेनिंग पीरियड के टाइम में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो ये होता है असल प्रोसीड्यूर एयरलाइन सेक्टर में जॉब मिलने का। अब आप सोच रहे होंगे कि एयरलाइन जॉब में फिर किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, इसके लिए मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे लैपटॉप में और मैं दिखाऊंगा प्रोसीड्यूर के किस तरीके से एयरलाइन जॉब्स में अप्लाई किया जाता है। और वीडियो में आगे हम, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है, कि मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं जो कोलकाता में हुआ रिसेंटली 2-3 महीने पहले, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए डेस्कटॉप में और देख लेते हैं कि किस तरीके से एयरलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई किया जाता है। चलिए, तो दोस्तों अब आप आ चुके हो लैपटॉप में और चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना है google.com, और आप अभी कोई भी प्राइवेट जेट एयरलाइन कंपनी पकड़ लीजिए, जैसे कि जेट एयरवेज, हाँ जेट एयरवेज जॉब्स लिखते हो नॉर्मली, कभी कभार कैरियर्स भी लिखते हो, तो वो लिख के आपको क्लिक करना है। और आपको मिल चुका है आपका पहला जो लिंक है। कभी कभार यहाँ पे एड्स भी रहते हैं, एड्स ज़्यादातर ही जॉब पोर्टल्स के रहते हैं और वो फेक कंसल्टेंसीज वाले ही होते हैं। तो आपको एड्स में नहीं क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है इस लिंक में, जैसे कि ये लिंक है www.jetairways.com/en/in/careers। ये कैरियर का
जो ऑप्शन है उसमें डायरेक्टली लेके जाएगा आपको। और ये सारे जो लिंक है और जितने दूसरे कंपनीज है, जो एयरलाइन कंपनीज में सारे जो कंपनीज है उनके करियर के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लेना, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए पहले करियर सेक्शन में चलते हैं। तो करियर सेक्शन में आप जैसा देख पा रहे हो कि ये है जेट एयरवेज का करियर सेक्शन, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 तरीके के करियर अपॉर्चुनिटीज अभी मौजूद है, मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट। फिर हम नीचे जाते हैं तो जैसे कि वहाँ देखिए जेट एयरवेज ने खुद लिख दिया है कि बीवेयर ऑफ फ्रॉडुलेंट जॉब ऑफर्स। यहाँ पे 6 बुलेटेड चीज लिखे हैं उन्होंने, तो कुछ पढ़ देता हूँ आपके लिए। पहला वाला लिखा है कि जेट एयरवेज डज नॉट आस्क फॉर एनी मनी फ्रॉम द कैंडिडेट एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मतलब कि जेट एयरवेज इंटरव्यू के लिए कोई भी पैसा नहीं लेता, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पहले बताया। सेकेंड, उन्होंने लिखा है कि ये फ्रॉडुलेंट ईमेल में मेंशन द बैंक अकाउंट नंबर ऑफ एन इंडिविजुअल और द अकाउंट डिटेल्स वुड बी गिवन अप अपॉन कॉलिंग अपॉन द नंबर मेंशन इन द फ्रॉडुलेंट मेल। इन एनी केस द बैंक अकाउंट वुड नॉट बी इन द नेम ऑफ जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड। जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड जेट एयरवेज का खुद का बैंक अकाउंट है, और जेट एयरवेज का है तो एक ही बैंक अकाउंट है और एक ही बैंक अकाउंट नेम है। और उस नाम को छोड़ के अगर आप देखें को उसको छोड़ के ही कोई भी दूसरा जो फ्रॉड रहेगा वो कोई दूसरा ही बैंक अकाउंट नंबर रहेगा, नेम रहेगा। वहां आपको चेक के थ्रू या कोई किसी तरीके से आपको सेंड करने को कहा जाएगा, तो आप वहां सेंड नहीं करोगे। यही कह रहे कि आप सेंड नहीं करेंगे वहां, यही जेट एयरवेज आपसे कह रहा है। तो साथ में उन्होंने कहा है कि डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी अनसोलिसिटेटेड जॉब ऑफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स एजेंसीज क्लेमिंग टू बी आवर एम्प्लॉयज और ऑथराइज एजेंट्स। कोई भी फेक कंसल्टेंसी जॉब एयरलाइन कंसल्टेंसी है, फेक जॉब एयरलाइन कंसल्टेंसी अपने आप का किसी भी अपने आप एम्प्लॉय को जेट एयरवेज का बता रहा है, तो आप उस पर विश्वास ना करें, यही बताया गया है, और रिस्पॉन्ड भी ना करें। साथ ही चौथा जैसे दिया है कि डू नॉट मेक एनी पेमेंट टू एनी इंडिविजुअल एजेंसी फॉर सिक्योरिंग एम्प्लॉयमेंट विथ अस। मतलब पेमेंट नहीं करना है। पांचवा है कि डू नॉट डिस्क्लोज एनी पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स और अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। तो इस तरीके के चीज के में सतर्क रहने के लिए जेट एयरवेज ने हमें बताया है यहाँ। तो अब चलते हैं कि किस तरीके का जॉब रहता है। तो पकड़ लीजिए मेडिकल में फुल टाइम मेडिकल ऑफिसर। यहाँ यहाँ पे मैं जॉब पे क्लिक करता हूँ तो सारे जॉब्स एक साथ खुल गए हैं यहाँ। तो देखिए वैकेंसीज में सबसे पहला वाला है सीनियर कमांडर्स वाला। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, साथ ही नीचे लिखा है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई विद डिटेल रेज्यूमे एट ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ ईमेल एड्रेस में जाके सीवी जमा करना है अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट और पोस्ट। तो देख पा रहे हो कि ऐसे करके ही यहाँ भी दिया हुआ है, सारा क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है जहाँ आपको अपना डिटेल सीवी देना है। अब देख अब नीचे जाते हैं तो जैसे कि यहाँ है एब इनिशियो ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर। इसके लिए यहाँ लिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशन दिया हुआ है रिक्वायरमेंट्स, और नीचे लिखा है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में हम क्लिक करते हैं तो आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हो आपको देना है अपना पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, लैंग्वेजेस नोन, लाइसेंस डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स, फ्लाइंग डिटेल्स, हॉबीज, सारा देके यहाँ आपको सबमिट करना है। तो ये आपका सीवी का जैसा ही काम कर रहे हैं और सारा डिटेल्स उनको मिल जाएगा, उसके बाद वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। अब चलते हैं किसी दूसरे एयरलाइन कंपनी के करियर सेक्शन में, जैसे कि इंडिगो जॉब्स पकड़ लीजिए। अब इसमें भी अगर ऐड आ जाए तो ऐड में क्लिक नहीं करना है, सारा लिंक जो है ये रहा careers.goindigo.in, यही है उनका। और सारा जो लिंक है जितने एयरलाइन कंपनीज के हैं मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप उसके थ्रू भी जा सकते हो या करियर सेक्शन में डायरेक्टली जाके भी, जैसे मैं लिख के खोज के निकाल रहा हूँ उस तरीके से भी जा सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकाल के सेव कर लो, वो लिंक्स दिए रहेंगे, आप वहाँ क्लिक करके आप खोल सकोगे। तो चलिए करियर में चलते हैं इसके इंडिगो के। तो आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, तो आप अप्लाई नाउ करोगे। तो अप्लाई नाउ करने के बाद आपको दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ फर्स्ट नेम है, ईमेल आईडी है, किस डिपार्टमेंट में करना चाहते हैं, डेजिग्नेशन क्या चाहिए, ये सारा एक्सपीरियंस है कि नहीं, करंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कॉन्टेक्ट नंबर। फिर आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है और अपना फोटो अपलोड करना है। ये सारा करने पर आपको क्या होगा कि आपका एक आईडी जनरेट हो जाएगा यहाँ। तो आईडी जनरेट होने के साथ साथ
इसका मतलब ये होता है आईडी जनरेट होना, कि एक बार आप बस आईडी जनरेट कर देने से ही होगा और आपको बार बार सीवी देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने जेट में क्या देखा कि दो तरीके से होता है, एक आप मेल के थ्रू सेंड कर सकते हो, वह दिया रहता है डायरेक्टली जहां सीवी सेंड करना पड़ता है, और एक रहता है अप्लाई ऑनलाइन जो इस तरीके का होता है, और एक जो आप देख पा रहे हो जिसमें आईडी जनरेट हो जाता है। वैसे आपको तो वैकेंसीज के लिए एवरी टाइम करियर सेक्शन को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, तो ऐसा होता है कि इंडिगो के क्षेत्र में आपका जब आईडी जनरेट हो जाएगा तो वैकेंसी जो निकलेगा वहां आपको बस अप्लाई कर देना है। अप्लाई कर देने से आपसे और सीवी वो मांगेंगे नहीं, क्योंकि आपका जो आईडी जनरेट हो गया है उससे आपका जो डिटेल्स है आपका सीवी वो एचआर तक पहुंच जाता है और आपको बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं होता, आपको बार बार अपना सीवी अपलोड करने की जरूरत नहीं होती, बस वैकेंसी में अप्लाई करने से ही चलेगा। तो आप कैरियर के थ्रू जाइए, सारे जितने हैं उनके थ्रू जाइए, उनके थ्रू ही अप्लाई कीजिए। किसी में शायद ऐसा रहेगा कि आईडी जनरेट होगा, किसी में डायरेक्टली दिया रहेगा, आप उस तरीके से जाइए। आपका अगर डिजायर है एविएशन सेक्टर में करने का तो इस तरीके से जाइए, जेन्युइनली आपको जॉब्स के ऑफर्स आएंगे, और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और अच्छे से आप एविएशन सेक्टर में अपना कैरियर शाइन कीजिए। दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ आपको एक्सपीरियंस जो मेरे दोस्त के साथ हाल ही में हुआ, 2-3 महीने पहले हुआ। अगर आप कोलकाता से बिलोंग करते हो तो आप दमदम से कैखाली का एरिया जरूर जाते होंगे। तो ये जो एयरलाइन फेक जॉब पोस्टिंग्स है उन कंसल्टेंसीज का अगर आप लोकेशन देखेंगे तो वो मैक्सिमम आपको उसी जगह का मिलेगा, क्योंकि वो एयरपोर्ट के नज़दीक है। अब क्या हुआ, ये जो मेरा दोस्त है ये वेस्ट बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट से है और उसने इंटरनेट के थ्रू उसे ऐसा जॉब पोस्ट मिला और उसने कॉन्टैक्ट किया उनके साथ और वो ट्रेनिंग के लिए आ गया इधर। अब ट्रेनिंग में उसे क्या बताया गया कि ट्रेनिंग 4 दिनों का होगा, जहां 3 दिन उससे ग्रूमिंग और क्लासेस लिए जाएंगे और 4th दिन रहेगा रिटन टेस्ट का, और ये रिटन टेस्ट और ट्रेनिंग सेशन के बीच में दूसरे दिन में ही उसे 3500 यानी 3500 रुपये देना पड़ेगा एज ट्रेनिंग फीस। और साथ ही में बताया गया कि रिटन टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो रिजल्ट जो निकलेगा वो 4 ग्रेड में दिया गया है, ए बी सी डी। ए और बी अगर आपको मिले तो आपको डायरेक्टली सिलेक्ट किया जाता है और आपका नेक्स्ट राउंड होगा एयरपोर्ट में फेस टू फेस इंटरव्यू, और सी और डी के बारे में बताया नहीं गया। और साथ ही में ये बताया गया कि आपको ये 3 दिन में नोट्स दिए जाएंगे जो हेल्प करेंगे आपको रिटन एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। अब क्या हुआ, वो नोट्स मिले उसे, वो पढ़ाई किया उसने उस पर और रिटन एग्जामिनेशन का देना आया, और रिटन एग्जामिनेशन उसने दिया और रिटन एग्जामिनेशन में उसने देखा कि वैसे क्वेश्चंस आए नहीं जो बताए गए थे नोट्स में। तो इसका मतलब यह है कि ए और बी तो आपको मिलने वाला है नहीं, वो गारंटी, वो एक ट्रैप था। अब क्या हुआ, 4th दिन में जब रिजल्ट आया उसका सी आया, अब सी का तो उन्होंने बताया नहीं था, तो उन्होंने कहा 45 मिनट आप वेट करो। तो उसने वेट किया, 45 मिनट बाद जब गया तो उन्होंने कहा कि ये आपको ग्रूमिंग की ज़रूरत है और अभी आपको जाना पड़ेगा दिल्ली, और दिल्ली में आपको 20,000 रुपये देने पड़ेंगे और वहाँ आपका ग्रूमिंग करवाया जाएगा, फिर आपको जॉब मिल जाएगा फिर से कोलकाता में ही। तो एक डिस्ट्रिक्ट का लड़का पकड़ लीजिए, वेस्ट बंगाल में हो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो या फिर मुंबई में पकड़ लीजिए अगर जॉब दे रहा हो और महाराष्ट्र के किसी डिस्ट्रिक्ट से हो, उसे अगर कहा जाता है कि दिल्ली में जाओ और 20,000 रुपये दो, तो एक स्मॉल टाउन का वहाँ का लड़का है वो, हाँ मुंबई तक तो उसे पता ही होगा, अगर वो महाराष्ट्र का लड़का है तो उसे मुंबई तक तो पता ही होगा, एक्सेंट भी एक रहेगा, लैंग्वेज एक है, तो फिर एक नए जगह में जाना, हाँ पूरा अनजान, और गारंटी है कि वो आपसे 20,000 रुपये लूटने के लिए आपको ये ऑफर कर रहे हैं। यहाँ छोटा वाला बैठा हुआ है, बाहर बड़ा वाला बैठा हुआ है, इनका एक चेन सिस्टम है पूरे इंडिया में। तो ऐसा था, तो मैंने उसने मुझे बताया ये सारा चीज़, तो मैंने उसे सलाह दी कि अब मत करो, तो उसने वो नहीं गया। 20,000 रुपये मैं अगर देखूँ तो नष्ट नहीं हुआ उसका। और अगर आप भी फंस रहे हो, आप भी ऐसी दुविधा में हो, तो आप मत जाइए, यही कहूँगा। तो ये था जो मैं बताना चाहता था एयरलाइन एविएशन जॉब्स के बारे में। और अगर आपको कोई दुविधा हो अभी भी और आपके पास मन में सवाल हो कि करियर में हाउ टू अप्लाई फॉर एयरलाइन जॉब्स, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। साथ ही में आप मेल कर सकते हो, मेरा मेल आईडी ये रहा। और जो अपना स्टोरी बताना चाहते हो कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, वो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ जैसा कि मैंने कहा, और साथ ही रिप्लाई भी करता हूँ और साथ ही मेल भी कर सकते हो, ये रहा मेरा मेल आईडी। और
ये कहूंगा, साथ ही में ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने का कारण एक ही था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, ये सब तक पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे हमारे यंग फिशर्स इस चीज़ में फंस जा रहे हैं कहीं ना कहीं, उन्हें डिप्रेशन में चले जाते हैं वो लोग, वो ना जाए, यही इस वीडियो के थ्रू मैं उन्हें बस एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप भी फंस चुके हो, या फिर आप के कोई यंग फ्रेशर आपके घर में है जो अपना करियर के लिए वो सोच रहे हैं, तो उन्हें ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि वो जान पाए और ये सब चीज़ों में वो ना जाए, डायरेक्टली अप्लाई करे जिस तरीके से मैंने प्रोसेस बताया है, वैसे वो सिलेक्ट हो गया तो वो तो बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों यहीं पे करता हूँ वीडियो को एंड करने से पहले यही कहूँगा कि अगर आप नए थे इस वीडियो में, पहली बार मेरे चैनल में आए थे, तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे फ्यूचर के वीडियोज़ की। तो आज के लिए किशोर की तरफ से टाटा।